स्वागत है सर्कुलर मोशन के दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में जो देख चुके वो देख चुके, अब दूसरे लेक्चर में क्या देखना था वो बता रहे हैं। इसमें देखना था टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्किल डिस्कस कर रहे थे, पर वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है, तो ये डिस्कस कर रहे थे। इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये बताया था, कब होता है जब स्पीड वेरिएबल होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कॉन्स्टेंट तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसके बेसिक्स बेंडिंग मोशन से इसको रिलेट कर चुके, उसके फॉर्मूला और उसमें रिलेशन से वी में अल्फा में जो रिलेशन से बनते थे वो देख चुके। तो आप देखते हैं उसके टाइप्स डिस्कस करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्ट्रीम पर, याद है ना। तो उसमें देखो टाइप में सबसे पहले अपन लिखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इधर लिख लो, काफी लंबा जोड़ा बोर्ड है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे, कई चीज है। इसमें क्या था, स्पीड वी क्या थी, कांस्टेंट, और इसमें जो वैल्यू वी थी वो क्या थी, वेरिएबल। ये इन दोनों में डिफरेंस था, ये वी क्या है, स्पीड, ठीक है, डिफरेंस डिफरेंस कुछ नहीं होता। अब दो तरीके से होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, अपन सभी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होती है, और इन दोनों के वेलोसिटी और इसके बीच में एंगल कितना होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये क्या सोचते हैं, ये बनते हैं, डिस्कस कर चुके। इसमें भी यही देखना है, लेकिन इसमें थोड़ा लोचा होता है। कैसे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक होता है कि जिसमें स्पीड अपनी इंक्रीज कर रही होती है, एक केस बनता है जिसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है, और एक दूसरा केस बनता है जिसमें स्पीड डिक्रीज हो रही है। कैसे, ये सर्कुलर मोशन था ऐसे, इसमें ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो इसमें देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 13 मीटर पर सेकेंड। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एक ऐसे कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड। स्पीड देखो यहाँ पे पहले वाले केस में स्पीड इंक्रीज हो रही थी, दूसरे वाले केस में स्पीड डिक्रीज हो रही है, दोनों का ही हो जाए। जब स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो क्या करना होता है, डिक्रीज हो रही है तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, समझ जाओ बस यहीं पे, समझ जाएगी तब, है ना। तो देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले वाला केस जब अपनी स्पीड क्या हो रही हो, इंक्रीज कर रही हो, और दूसरा केस यहाँ पे जब अपनी स्पीड क्या है, डिक्रीज कर रही है। वी स्पीड होता है, इसके ऊपर वेक्टर लगा तो इसको वेलोसिटी बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, कुछ कुछ चीजें होती है छोटी छोटी चीजें। अब देखो यहां से काम की चीज, ये इसका सेंटर, ये यहाँ पे इसका सेंटर, ठीक है, सेंटर से ये पॉइंट हो गया, एक ही पॉइंट की बात करें, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसे है, वी वेलोसिटी कुछ ऐसे है। अब इसकी स्पीड बढ़ रही है, यानी कि जब स्पीड इंक्रीज कब करेगी, जब देखो वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, वेलोसिटी है ना, स्पीड इंक्रीज कर रही है तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा, और वो कैसे करता है, देखो वी बराबर यू प्लस ए टी, यानी कि जब उस पे कोई एक्सेलरेशन लग रहा है और ये इंक्रीज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पे एक एक्सटर्नल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेंट्रीपिटल, तो नहीं बोलेंगे सेंट्रीपिटल, तो ये वाला है जो अंदर की तरफ, यानी कि इस पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, जो इसको कह रहा है कि चल बेटे आगे बढ़, स्पीड इंक्रीज कर रहा है इसकी, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे ही होगा। अब यहां पे देखो इसमें डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, टाइम पे इस टाइम पे ये वेलोसिटी होगी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें चेंज क्या हो रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, यानी कि उस पर रिटार्डेशन लग रहा है, रिटार्डेशन हुआ ना, तो रिटार्डेशन मतलब उस पर जो
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। दोनों में ये डिफरेंस होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज करे वेलोसिटी डिक्रीज करे। शायद आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी डिक्रीज कब करेगी, जब यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा तभी डिक्रीज, और माइनस होगी तो वेलोसिटी और इसमें एंगल 180 का होगा, जब जीरो का होता है तो प्लस होता है। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ये खेल था, खेल ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मैं यहाँ पे लिख लू इस तरह से, ये वाला मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल रहा है और ये वाला मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है। दोनों चीजें मिल रही, जैसे सही नहीं बना ना, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है इस तरह से, और इसी डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी मिल रही है, स्पीड या वेलोसिटी लिखेंगे। अब देखो नेट एक्स, एक मिनट वेलोसिटी को भूल जाओ, अब ये बताओ मुझे इसमें जो नेट एक्सेलरेशन है वो किधर आएगा? नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही समांतर चतुर्भुज नियम है, चतुर्भुज वाला नियम तो याद है ना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे देखते हैं, ऐसे मिला दो, यानी कि इसके पहले एक लाइन बनाओ, इसके पहले एक लाइन बनाओ, दोनों का जो विकर्ण है दोनों का डायगोनल उसको मिला दो, तो ये आ गया इधर ए। अब बोलते हैं इसको ए रिजल्टेंट, बात कर रहा हूं मैं जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो आपसे पूछेगा कुल त्वरण कितना है, तो कई बच्चे बता रहे उसमें सेंट्रीपिटल त्वरण बता दे, इसको भूल जाते हैं। ये आपको साफ लिख के देगा कि स्पर्श रेखा या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या ये लिख के देगा आपको सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय त्वरण, ये लिख के देगा आपसे कुल एक्सेलरेशन पूछे तो आपको ये बताना है। अब यहाँ पे ये क्यों समझा, यहाँ पे देखो नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना आ रहा है, लेस देन 90। एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी लेस देन 90, जो कि नॉन यूनिफॉर्म में बिल्कुल 90 रहता है। नॉन यूनिफॉर्म में नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही नेट एक्सेल, यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि वहां पे टेंजेंशियल नहीं होता, और दोनों के बीच में वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक चीज पता चली, यहाँ पे 90 से कम या फिर 90 से ज्यादा होगा, 90 नहीं होगा, 90 होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, 90 से कम या ज्यादा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये ऐसे थ्योरी के टाइप क्वेश्चन बना देता है, यदि एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है उसमें वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 से ज्यादा और कम है, तो बताओ वो यूनिफॉर्म हुआ नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो सोचे पड़ जाता है ऐसा लाइन तो कहीं पे लिखा ही, तो यू नॉन यूनिफॉर्म हुआ भाई वो, क्यों? क्योंकि 90 नहीं आ रहा नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अपने पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ऐसे है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ऐसे है, और वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे है। अब नेट एक्सेलरेशन यानी कि एसी, तो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ए मुझे इधर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल, नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री से ज्यादा है ना, तो यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे लिख देता ए बराबर एसी प्लस एटी। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, एसी वी स्क्वायर बाई आर से निकलेगा और एटी वी बराबर यू प्लस एटी से निकलेगा, काम खत्म। तो ए बराबर एसी प्लस एटी, ये नेट एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जब स्पीड इंक्रीज कर रही हो तो एंगल 90 से कम होता है, और जब स्पीड डिक्रीज कर रही हो तो एंगल 90 से ज्यादा होता है। ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपसे पूछेगी यहाँ पे थीटा बताओ, तो आप एक तो ये वाला थीटा बता सकते हो, ठीक है? थीटा कैसे कि नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल पूछा आपसे, नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल पूछ लिया आपसे, या फिर नेट एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बीच का एंगल पूछ लिया, तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं थीटा डैश। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ पे समझो पहले। तो यहाँ पे देखो जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, वेलोसिटी, और बेस क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे सॉरी ए टी आया ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो इधर ही है परपेंडिकुलर, तो ये टेन थीटा आता है, टेन इसमें सब थीटा को 90 माइनस थीटा कर दो, तो ये वेलोसिटी के 90 माइनस थीटा कम आ रहा है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो ऐसे ये वाला सेम एंगल निकलेगा, सेम एंगल इसको थीटा, तो यहां से देखो टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आ रहा है अपने पास में, 80 अपॉन बेस क्या है, एसी,
अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, जबकि यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा। किसके बीच का एंगल? वेलोसिटी, वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन का बीच का एंगल, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 90 माइनस थीटा, ये यहाँ तक ही हो गया 90 तो, और ये आगे का थीटा है तो 90 प्लस थीटा, इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 90। प्रूफ के लिए आपको बताया है। तो यहाँ पे देखो जो अपने पास सेंट्रीपिटल एक केस में आ रहा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे, और जो दूसरे वाला केस था उसमें भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ ऐसे था, ठीक है। अरे सर्कुलर मोशन ही बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो एक बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे था और एक बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे था, ये इसमें वी डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा था, और ए सी इधर था। अब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पास जो ए नेट आता है यानी नेट एक्सेलरेशन वो क्या आता है, ए सी प्लस ए टी, यानी कि ए सी और ए टी दो वेक्टर है, और ए सी और ए टी में हमेशा 90 का एंगल होता है, 90 का एंगल दिख रहा है, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो भी 90 का एंगल है, स्पीड इंक्रीज कर रही है और यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर रही है तो भी 90 का ही एंगल है, देख लो। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकल, 90 पे AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यही होता है जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, मैं उनको डायरेक्ट ऐसे ऐड कर देता पाइथागोरस से। तो ये नेट का इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसके डायरेक्शन देखना आपको बताया था किधर आएगा, 10 थीटा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, वो डायरेक्शन वहां से देखेंगे। ये थी कुछ चीजें हल्की थी, फिर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं एक काम की चीज, डी वी बाय डी टी, ठीक है इधर देखना, और ऐसे लिख दिया मैंने डी वी बाय डी टी। इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? काफी डिफरेंस है इनमें, और ये डिफरेंस बहुत बार गलतियां करवाता है आपसे। अच्छा तो यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा, चलो वेक्टर लगा देना, कहीं डिस्टर्ब है, ये वेलोसिटी है, यहाँ पे स्पीड है, स्पीड क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, केवल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और यहाँ पे कुल वेलोसिटी जो वेलोसिटी अपने पास पूरी उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब पूरी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को नेट एक्सेलरेशन मिलता है, और जब मैग्नीट्यूड को करते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है। तो डी मैग्नीट्यूड देख लेना, एटी होता है टेंजेंशियल है, और ये नेट एक्सेलरेशन होता है, ये इनमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कुल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंतर आ रहा है समझ में कुछ, ये ए टेंजेंशियल और ये ए नेट एक्सेलरेशन होता है। और फिर अपने वो एक फॉर्मूला और मिल रखा था यहाँ से, एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, उसको मैं एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वी बराबर आर ओमेगा, यानी कि आर वी स्क्वायर होता है, यानी कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आर हो जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला था, और क्या देख रहे थे अपन, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एक चीज बताई थी कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बराबर क्या हो गया, टू वी साइन थीटा बाई टू, ये चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, और एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा मुझे डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, तो यानी कि टू वी साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या होता है, एक समानवर्ती गति में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जैसे टी बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये आर थीटा दूरी तो होती है, आर थीटा दूरी का से यहां से देखो सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहे हैं, ये वाला आर है, ये वाला एंगल थीटा है, तो आर थीटा ये वाला जो मिलता है ये आर थीटा ही तो होता है, चाप चाप दूरी बटे चाल, चाप बराबर क्या होता है, आर के बराबर क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस, यानी कि वो डिस्टेंस और टोटल वेलोसिटी, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं यहां से, तो मुझे यहां से यहां तक आने का जो टाइम मिला डेल्टा टी, तो डेल्टा टी को मैं कैसे लिख दूं, आर थीटा बाय वी, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यानी कि टू वी स्क्वायर साइन थीटा बाय टू बाय आर थीटा, ये भी लिख सकते हैं ना, यही एक्सेलरेशन, ये भी फॉर्मूला होता है इसका। इस तरह से जितने मर्जी फॉर्मूला बनाना चाहो बना लो, कंसेप्ट यही था कि वेलोसिटी जब स्पीड अपनी डिक्रीज हो रही होती है तो एंगल कितना होता है, स्पीड इंक्रीज कर रही हो तो कितना होता है,
नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, इनका डिफरेंस देखा, इनके बीच में ये कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं, कुछ कंसेप्ट थे वो देखे, और ये कुछ एक दो काम की चीजें, और बाकी रिलेशंस वगैरह तो आपको याद रखनी है, किसका रिलेशन किससे है वो याद नहीं रखना, फिजिक्स का याद रखना है बस, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो अभी पढ़ाएंगे ना, एंगुलर वेलोसिटी और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी दोनों देखते हैं, क्योंकि ये आपको रोटेशनल में काफी परेशान करता है, और यहाँ पे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।